एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, मैं सुबह से उठती हूँ और ये शाम का समय हो गया है गुड इवनिंग का। अब मैं जा रही हूँ सब्जी काटने, क्योंकि आज मेरी बिटिया रानी का थोड़ा तबीयत खराब हो गया है। उनका खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार सब हो गया है। तो जानते हैं जब घर में किसी का तबीयत खराब हो रहता है तो मन नहीं करता है कुछ करने का, इसीलिए मैं कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही हूँ और ये शाम को सब्जी में ही काट रही हूँ। देखिए, ये आलू काट लिए हैं, ये लहसुन है जिसे चलते हैं छील देते हैं। आलू, मटर, गोभी, बैंगन, मिर्च, सब्जी बनाएंगे गर्म होने के लिए। दूध मेरा गर्म हो रहा है अभी। शाम वाली चाय नहीं बनाए हैं, चाय भी बनाना है। सो फ्रेंड्स, इधर देखिए, गई थी मेरी बेटी दवा लेने और ये मार्केट से लाई है अपने लिए दो बोतल, बाबू के लिए एक, अपने लिए मास्क है, ये सब्जी और एक इंजेक्शन भी लगा है और सिरप एक दिए हैं और कैप्सूल दिए हैं। और खांसी बहुत तेज़ हो गई थी, खांसत खांसत पूरा गला इनका दर्द कर रहा था। कह रहे हैं कि मम्मी गला मेरा दर्द कर रहा है। और देखिए, यही ये सिरप है खांसी का और ये कैप्सूल है, ये दो मास्क लाई हैं अपने लिए और अपने भाई के लिए, क्योंकि ठंडी में साइकिल चलाकर जाती हैं। इन लोगों को ठंड थोड़ा थोड़ा लग गया है क्योंकि एक पूरा रोज नहा कर जाते हैं और सुबह सुबह नहा कर और साइकिल से जाते हैं। पहले तो आदत नहीं है साइकिल से जाने के लिए। देखिए, यहाँ पर इंजेक्शन लगा तो पूरा काला हो गया है, नस में इंजेक्शन लगा था। तो ये दिखा रहे हैं कि मम्मी देख लीजिए, काला हो गया है मेरा हाथ। और देखिए, तन धूप में तो सही रहती है शाम। देखिए, ये आलू काट लिए हैं, ये लहसुन है जिसे चलते हैं छील देते हैं। आलू मटर है अभी। शाम वाली चाय नहीं बनाए हैं, चाय भी बनाना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैंगन और आलू काट लिए हैं और गोभी को भी काटना है, मटर को भी, छिलका मटर का हटाना है और इधर लहसुन काट लिए हैं। दूध गर्म हो रहा है मेरा। अब चलते हैं, चूल्हे पर खाना नहीं बनाएंगे, यहीं पर लाइट है, यही हीटर पर बना कर खाना बना लेंगे, क्योंकि चूल्हे पर कौन आग ही पारने जाएगा जल्दी। और ठंड में तो आप लोग जानते नहीं हैं, जानते ही हैं जल्दी आग बढ़ती नहीं है। और जब देखिए, दूध मेरा आ गया था, ऊपर गिरने वाला था, बच गया। सो फ्रेंड्स, इधर मैं सब्जी छौक का लगा दी हूँ और उधर देखिए, अब मसाला डालकर फ्राई कर रहे हैं। और इसमें आप अपने अनुसार ग्रेवी लगा लीजिए, कम ज़्यादा आप जैसे खाना पसंद करते हैं वैसे बनाइए, क्योंकि सबकी घर अलग अलग है खाने का सिस्टम, कोई एक जैसा तो खाता नहीं है। किसी को अधिक ग्रेवी वाली है तो किसी को सूखी सब्जी। और इधर मेरी सब्जी बनकर तैयार हो गई है और धनिया की पत्ती इसमें डालकर, क्योंकि धनिया की पत्ती डालकर, और बच्चे बोले थे मम्मी थोड़ा तीखा सब्जी बनाइएगा, सर्दी में जानते हैं तीखा ज़्यादा खाने का मन करता है। और इधर मेरा आटा भी लगा कर रख दिए हैं सेट होने के लिए। सो फ्रेंड्स, इधर देखिए, खाना वाना बच्चे खाकर नीचे सो रहे हैं और उनके लिए काढ़ा बना देंगे और खाना बनाएंगे। अदरक और लवंग, छोटी इलायची है, तुलसी का पत्ता है, की कमी हो रही है धूप, सूर्य भगवान की जब शाम हो रही है तभी इनका तबीयत, जानते हैं कि सुबह शाम ज़्यादा खांसी स्टार्ट होती है, जब धूप रहता है तो उतना नहीं परेशान करता है। इधर पानी गर्म कर दिए हैं, दूध, सॉरी, दवा पीने के लिए।
आप बाबू को भी पिला देंगे क्योंकि उसका भी खांसी हो रहा है। इधर देखे करें कि मम्मी इनको नींद आ रही है तो पी नहीं रहे हैं दवा, जबरदस्ती इनको भी पिला दिए एक ढक्कन। पहले कैप्सूल पिला देंगे, तब सिरप पिलाएंगे, उसके बाद आधा घंटा बाद इनको हम चाय दे देंगे, चाय पिला कर काढ़ा वाला चाय, और सुला देंगे। क्योंकि बच्चे ठीक रहते हैं तो मन भी लगता है कोई काम करने में, जब जानते हैं बच्चे बीमार रहते हैं तो मन नहीं लगता है कोई भी काम करने में। खांसी होता है कर खाना वाना सब खा लिए हैं। अभी बर्तन धोना है क्योंकि बर्तन नहीं धोए इन लोगों को सुता कर, तब जाएंगे बर्तन धोने के लिए। तो फ्रेंड्स इधर दवा पिला दिए हैं और ये कह रहे हैं कि मम्मी मेरा सर दर्द कर रहा है, तेल डाल दीजिए। तो वही चलते हैं, थोड़ा तेल सर में डालकर मालिश कर देंगे क्योंकि जानते हैं जब सर्दी जुकाम होता है तो सर दर्द करता है। तो ये सरसों का आयल है, तो वही चलते हैं सर में डालकर मसाज कर देंगे थोड़ा सा, और हाथों में लगा देंगे। और कोई यही मेरा वीडियो, आज तो दिन भर में कोई शूट नहीं किए थे, सुबह तो दाल चावल सब्जी और चोखा बनाए थे, शाम को रोटी सब्जी बनाए, कोई रेसिपी भी नहीं बना पाए। और क्या यही वीडियो है आज का, आपको क्या पसंद आए क्या ना पसंद आए। इधर देखिए मेरा चाय गर्म हो रहा है और दो गिलास ला दिए हैं दोनों बाबू के लिए, निधि के लिए। चलते हैं इनको छान कर दे देंगे, गर्मा गर्म पियेंगे तो जो गला दर्द कर रहा है तो वह सही हो जाएगा थोड़ा बहुत। सो गाइस इधर काढ़ा बनाकर लाकर और दे दिए इनको पीने के लिए। तो ये देखिए कैसे नखड़े कर रही हैं, करेंगे नहीं पीएंगे अच्छा नहीं लगता है। और ये तुलसी माँ का काढ़ा है, बनाकर ला दिए हैं, थोड़ा सर और भारी रहेगा सर्दी जुकाम के लिए। और राधे राधे दोस्तों, गुड नाइट, मिलते हैं नए ब्लॉग में।